चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी व ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन हेतु भक्तों की भीड़ उमड़ी। ब्रह्मा घाट स्थित देवी के मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लाइन लगी। देवी अपने भक्तों को यश कीर्ति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है, वहीं मनुष्य को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। नवरात्र के दूसरे दिन देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दर्शन पूजन का विधान है। काशी में ब्रह्मा घाट पर देवी का मंदिर है, यहाँ देवी के दर्शन पूजन को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त भोर से ही लाइन में लगकर देवी के दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की आराधना से भक्तों को यश कीर्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। मंदिर के महंत राजेश्वर सागरकर ने बताया कि नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी का दर्शन पूजन होता है। मंगला आरती के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए। भोर से ही भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि माता के दर्शन से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूरी होती है। माता अपने भक्तों की सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर देती है। काम की बाधा, व्यापार की बाधा, रूप बाधा, शत्रु बाधा समेत सभी प्रकार की बाधाओं को भगवती दूर करती है। वहीं धन धान्य से परिपूर्ण करती है। भगवान शिव को प्राप्त करने को माता पार्वती ने किया था कठोर तप। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया था। वह सफेद वस्त्र पहनती हैं और हाथ में कमंडल और जप की माला धारण करती हैं। उनकी कठोर साधना के कारण उनको मां ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। दूसरी ओर नौगौरी के दर्शन पूजन के क्रम में द्वितीया पर ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन की मान्यता है। ऐसे में कर्ण घंटा के सप्त सागर क्षेत्र में स्थित माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इनकी भी मान्यता उतनी ही है जितनी चैत्र और अश्विन। और चैत्र और अश्विन में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन अति प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि सर्वाबाधा विजुर्मुक्तो धन धान्य सुदान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशयः। बाधा मतलब सबसे पहली बात प्रश्न है ये बाधा। बाधा क्या? शत्रु बाधा होती है, रोग बाधा होती है, किसी को संतान बाधा होती है, किसी को व्यापार बाधा होती है, किसी भी प्रकार की बाधा हो उस बाधा को दूर करने के लिए भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का उपासना करने से सभी बाधाएं दूर होती है। इसलिए कहा गया है कि सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान्य मतलब धन भी मिलता है और धान्य भी मिलता है। धन धान्य सुदान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशयः। ये भगवती दुर्गा देवी का विशेष मंत्र है और इस मंत्र का जप करने से सभी प्राणियों मात्र का कल्याण होता है, घर में सुख शांति होती है और सभी पाप नष्ट होते हैं।